Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत और अभिवादन करता हूँ. Is it not a wonderful day? क्या एक अद्भुत दिन नहीं है? We are in the month of Christmas. और हम जो है क्रिसमस के महीने में आ चुके हैं. Yeah, we are already in the mode of Christmas. We started decoration, whitewash and color washing the houses and making all the stars and decorations. और हम पहले से ही क्रिसमस को मनाने का जो हमारा स्वभाव है मनोइच्छा है उसमें आ चुके हैं. हम घरों की में रंग पुतवा रहे हैं, पुताई करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, झालर टांग रहे हैं, उसे सजा रहे हैं. सो माय मेडिटेशंस नेक्स्ट वीक ऑल थ्री डेज विल बी ऑल अबाउट क्रिसमस. और इसलिए मेरे अगले तीन मनन इस क्रिसमस के विषय में या संदर्भ में रहेंगे. बट दिस वीक लेट अस द रिमेनिंग टू मोर डेज For meditation, let us think something very sober and something very, very, very deep. और लेकिन इस हफ्ते के लिए आइए हम बड़ी साधारण सी लेकिन साथ ही साथ बड़ी गहन बातों में अपने अध्ययन रखें. Today's meditation is centered around the Gospel according to Saint John, chapter 16, verses 16 to 24. और आज के मनन के लिए हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय 16वें वचन से लेकर 24वें वचन तक को लिया है. Jesus is talking to his disciples. और यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है. And he is revealing to them. What was going to happen to him once they arrived in Jerusalem? और यीशु उन पर ये प्रकट उन बातों को प्रकट कर रहा है कि जब वो यरूशलेम नगर में आएंगे तो उनके संग क्या होगा? I mean, talking about his arrest and torture and persecutions and then crucifixion and death and resurrection etc. और यीशु बात कर रहा है अपनी गिरफ्तारी के विषय में, उसके सताए जाने के विषय में, ताड़ना के विषय में और उसके पश्चात उसको क्रूसित किए जाने के विषय में, उसके पुनरुत्थान और उसके बाद उसके स्वर्गारोहण के विषय में. And of course, naturally, और स्वाभाविक है. The disciples' heart begin to be in trouble. और इसलिए जो चेलों के हृदय हैं, वो समस्या में आने लगे. Now the master is going to be absent. कि अब हमारा स्वामी हमारे बीच से चला जाएगा. Because Jesus said, in a little while you will not see me, and again after a little while you will see me again. और वो यीशु क्योंकि यीशु उनसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे. Now I want to mention three things concerning this. और इस विषय में मैं तीन बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं. Number one. पहली बात. Christ's absence from this earth is a time of sorrow. प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी से जाना एक शोक का समय था. Sorrow to whom? दुख का समय किसके लिए? The followers of Christ. वो दुख का समय था प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के लिए. The faithful believers. और वो विश्वास योग्य विश्वासी. But a time of rejoicing for the children of the world. लेकिन जो संसार के लोग थे उनके लिए ये आनंद का समय था. In Romans chapter 8. रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में. Verse 23. और उसका 23वें वचन में. It says here. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly, as we wait eagerly for adoption as sons. और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कहराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं. Here it is. और यहाँ पर हम इस This बात is our condition. और यही हमारी परिस्थिति है. We are not all happiness all the time. और हम हर समय प्रसन्न या खुश नहीं रहते. When the pressures from different direction comes and hit us. और जब कई सारी दिशाओं से दबाव आता है और हम पर आकर हमें हम पर आक्रमण करता है. What do we long for? हम किस बात की इच्छा रखते हैं? We cry out, O Lord, come quickly. तब हम पुकारते हैं, हे परमेश्वर, जल्दी आ. But God has His timetable. लेकिन परमेश्वर के पास अपना समय नियम है. Until then, we have to go through this. और उस समय तक हमें इन सारी बातों से होकर निकलना. Because we are waiting for our final redemption. क्योंकि हम अपने अंतिम छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं. The redemption is the salvation of our body. और वो छुटकारा है हमारी इस देह का मोक्ष या उद्धार. When Jesus comes for the rapture. और जब यीशु मसीह कलीसिया के उठाए जाने के लिए आएगा. And when ultimately we leave all the heartaches and
pressures and disappointments, everything behind, and we enter into the fullness of joy. और ये वो समय होगा जब हम इन सारे दुख दर्दों को पीछे छोड़कर इस सुख के समय में आ जाएंगे. And therefore, the second truth is. और इसलिए जो दूसरी सच्चाई है. Christ's personal return shall be a source of boundless joy to His believing people. कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन उसके विश्वासियों के लिए एक अनंत आनंद की शुरुआत होगा. Jesus himself said, "I will see you again." और यीशु ने खुद उनसे कहा, मैं फिर से तुम्हें देखूंगा. When will this joy come? और ये आनंद कब आएगा? The joy of resurrection. और ये है पुनरुत्थान का आनंद. And for the disciples, और चेलों के लिए, it happened within 3 days. ये 3 दिनों में हो गया. The true joy, वो सच्चा आनंद, the perfect joy, वो सिद्ध आनंद, the joy that can never be taken away, और एक ऐसा आनंद जो हमसे कभी छीना नहीं जा सकता, will be the joy which His people shall know when He returns. और एक ऐसा आनंद होगा जो उसके लोग अनुभव करेंगे जब वो आएगा. When will He return? और कब वो आएगा? Friends, the time is short. मेरे मित्रों, वो समय बहुत कम है. He is right at the door. क्योंकि वो तो दरवाजे पर खड़ा है. The resurrection is imminent. और वो पुनरुत्थान जरूर होगा. It can happen any moment. और वो किसी भी क्षण हो जाएगा. And all we know is that His return for the resurrection of the saints is right at hand. और हम सिर्फ इतना जानते हैं कि संतों का पुनरुत्थान भी तुरंत ही हो जाएगा. 2 Peter 3:12. दूसरा पत्रस 3:12. And 2 Timothy 4:8. दूसरा तिमोथियस 4:8. And this was Paul's great expectation. और यही पौलुस की एक महान आशा थी. He was going to be beheaded. कि वो उसका सर कलम कर दिया जाना था. And this verse in 2 Timothy 4:8. और ये वचन जो दूसरा तिमोथियस 4:8 में है, By reading that, उसको पढ़ने के द्वारा, you don't think he is talking about any beheading or death or anything. वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो सर कलम करने के विषय में बात कर रहा है. He is talking about arriving at a place that God has prepared for. वो तो बात करता है कैसे उस स्थान पर वो पहुंच जाएगा जो परमेश्वर ने पहले से उसके लिए तैयार किया है. Where he shall receive a crown, जहां पर वो एक ताज को पाएगा. Oh, what a marvelous truth it is. और कितना अद्भुत सत्य है. That is the joy of resurrection that we too shall experience. और ये है वो पुनरुत्थान का आनंद जिसका अनुभव हम सब करेंगे. And the joy which his people, his followers, that is you and I, will experience at his return for the rapture. और वो आनंद जो उसके लोग अनुभव करेंगे, आप और मैं, उसके वापस आगमन पर. So, Jesus is encouraging the disciples. और इसलिए यीशु चेलों को प्रोत्साहित करता है. We must not only look backward, कि ना केवल हमें पीछे की ओर देखना है. And be thankful for Christ dying for us. और इस बात का धन्यवाद देना है कि कैसे यीशु हमारे लिए मर गया. We also must look upward, लेकिन हमें ऊपर की ओर भी देखना है. And see Christ at the right hand of God interceding for us. और उस यीशु को देखना है, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं. लेकिन we must also look forward, हमें आगे की ओर भी देखना है. To Christ's return from heaven to bless His people. कि यीशु मसीह का वो स्वर्ग से आगमन ताकि वो अपने लोगों को आशीषित करे. Oh, what a marvelous hope the Lord has left with us. और वो कितना अद्भुत आशा परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ दिया है. Amen. Amen. We are grateful to God for what He has done. क्या हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं जो उसने हमारे लिए किया? And we are extremely comforted to know what Christ is doing right now. और हम कितने रूप से परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं जो हमारे लिए अभी कर रहा है. He's interceding for us. और वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है. लेकिन the greatest joy and hope we सबसे महान आनंद और आशा, as we look forward, वो ये है जैसे हम to आगे the day of his return for the church. कलीसिया के लिए उसका जो आगमन होगा. What a glorious hope. कितनी महान आशा है ये. Are you enjoying
living for Christ with this hope? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के संग जीने का आनंद ले रहे हैं इस आशा के साथ? Persecution, trials and torture, difficulties in life. और वो सताव, वो ताड़नाएं, वो हर प्रकार की परेशानियां जो जीवन में आएंगी, Don't concentrate on them. उन पर अपना ध्यान ना लगाएं. Like the Apostle Paul. जैसे पौलुस प्रेरित कहता है. Think of the glory that is going to be revealed in you. उस महिमा के विषय में सोचिए जो तुम्हारे भीतर दिखाई जाएगी. The resurrection. अब वो पुनरुत्थान. A new resurrection body. एक नया पुनरुत्थान हुआ शरीर. We shall be changed into His glory. हम उसकी महिमा में बदल जाएंगे. Amen. Amen. Christ returned and thirdly, तीसरी बात, while Christ is absent, जब प्रभु यीशु मसीह नहीं है, believers must ask much in prayer. तब विश्वासियों को प्रार्थना में बहुत मांगना है. Now Christ's return will have three stages. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन का तीन चरण होगा. Number one, पहला चरण, he will return at his resurrection. वो अपने पुनरुत्थान में आएगा. Then He will return at Pentecost. वो पेंटेकोस्ट के दिन आएगा. And thirdly, he will return at the day of judgment. और तीसरी वो न्याय के दिन आएगा. And they have experienced the first two, the disciples. पहली जो दो बातें हैं वो चेलों ने उसका अनुभव कर लिया. And we are also living in the joy of these two things. और हम भी इन दो बातों के अनुभव के आनंद में जी रहे हैं. But all of us are together waiting for his return on the day of judgment. लेकिन हम सब एक साथ इंतजार कर रहे हैं उसके आगमन का उस न्याय के दिन के लिए. Christ in the flesh. और प्रभु यीशु मसीह जो देह में है. Must disappear for Christ in the spirit may appear. ताकि वो यीशु जो आत्मा में है वो हमारे भीतर आ जाए. On the day of Pentecost. पेंटेकोस्ट के दिन. And after his resurrection, उसके पुनरुत्थान के पश्चात, no man shall know him in the flesh. और कोई भी मनुष्य उसे शारीरिक रूप से नहीं जान पाएगा. There would be one relationship. सिर्फ एक ही रिश्ता होगा. In the spirit. और वो है आत्मा में. So all must receive the Holy Spirit. और इसलिए सबको पवित्र आत्मा पाना आवश्यक है. Jesus's word to his mother Mary while he was on the cross. And Mary was at the foot of the cross. और प्रभु यीशु मसीह के वो शब्द जब वो उस क्रूस पर था लटका हुआ था अपनी माँ मरियम को जब वो उस क्रूस के नीचे खड़ी थी. When he said, जब उसने कहा, Woman, hey स्त्री, if you want a son, अगर तुझे एक स्त्री की जरूरत है, behold, your son is pointing to John the disciple. अगर तुझे एक पुत्र की आवश्यकता है तो यीशु ने यहुन्ना पत्रुस की ओर यहुन्ना की ओर उसे हाथ दिखा के कहा ये तेरा पुत्र है. And the John he said behold your mother. और यहुन्ना से उसने कहा देख ये तेरी माता है. With that saying. और ये कहने के पश्चात. Jesus Christ cut off every fleshly kind of this relationship. Even with his mother Mary. ये कहने के पश्चात यीशु ने हर प्रकार के शारीरिक रिश्ते को तोड़ दिया यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ. There is no longer looking and accepting her as a earthly mother. और अब उसे एक शारीरिक या पृथ्वी के रूप में माँ के रूप में वो उसे एक नहीं ग्रहण कर सकता. And all of us. और हम सब. We'll have the same kind of relationship. हम सब के पास वो एक ऐसा ही रिश्ता होगा. With the Lord of Glory. उस महिमा के परमेश्वर के साथ. There'll be one relationship. सिर्फ एक ही रिश्ता. And let us live for this. और आइए हम इसके लिए जिए. And God's blessing be upon you today as you meditate on this. और परमेश्वर का आशीष आप सब के ऊपर हो जबकि आप इस वचन पर मनन करें. So never forget the three direction look. और इसलिए इस तीन दिशाओं के जो कार्य है इसको ना भूलिए. Backward look. पीछे की ओर देखना. We see Jesus on the cross and his resurrection. हम यीशु को क्रूस के ऊपर और उसके पुनरुत्थान को देखते हैं. That's accomplishing our salvation. और हमारे उद्धार को जो उसने स्थापित किया. An upward look. एक ऊपर की ओर देखना. And we see the present ministry of Jesus. हम वर्तमान में प्रभु यीशु की सेवा को देखते हैं. And back and forward look. और एक सामने की ओर देखना. We see him coming again. और हम देखते हैं कि वो दोबारा आ रहा है. King of kings and Lord of lords. जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु. And we shall live and reign with him. और हम उसके साथ जिएंगे और राज्य करेंगे. What are you living for? और आप किसके लिए जीते हैं? Anything else, my friends, you will be disappointed at the end, but live
for this day of God's coming and taking you to be with him. और कुछ और बात जिसके लिए आप जीते हैं तो अगर आप निराश हो जाएंगे लेकिन सिर्फ इस बात के लिए आप जिए. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Amen. Amen. Lord, we thank you for the blessed Holy Spirit. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए. We need the Holy Spirit, O Lord, that we may know you in the spirit. हमें तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है परमेश्वर ताकि हम आत्मा में तुझे जानने पाएं. And thus we maintain to a new quality. और इसके द्वारा हम of relationship. हम एक नए रिश्ते के गुण में बढ़ते चले जाएं. Knowing Jesus in the spirit. और यीशु को आत्मा में जानते हुए. And Jesus knowing all of us in the spirit. और यीशु हम सबको आत्मा में जानते हुए. Thank you. धन्यवाद. Jesus name. यीशु के नाम. Amen. Amen. Great day, my friends, and enjoy this day and live for him. और एक अच्छा दिन है मेरे मित्रों, परमेश्वर के लिए जिए.